मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब की रेड बटन दबाएं, बाद में आपको एक घंटी मिलेगी, उस घंटी को दबाएं ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा स्लाइफस्टाइल। तो दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ इन ममा अर्थ के बेबी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो ये प्रोडक्ट्स जो कि मैं अपने मेरी खुद की बेटी पर यूज़ करती हूँ और मुझे इनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे लगे दूसरे ब्रांड से, तो मैंने सोचा आज मैं इसका रिव्यू करूँ और आपको इन प्रोडक्ट के बारे में बताऊँ। तो चलिए वन बाय वन इसका रिव्यू देखते हैं। तो सबसे पहले मैं रिव्यू करूँगी माय फेवरेट जो कि है सनस्क्रीन। ये है ममा अर्थ का सनस्क्रीन। सनस्क्रीन के यूज़ के बारे में तो हम सबको पता है, हम बड़े अगर बाहर जाना हो या फिर इंडोर रहना हो तो हम सनस्क्रीन लगाना प्रिफर करते हैं, क्योंकि वो हमारे स्किन को सन की हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करता है। पर जनरली देखा जाता है कि हमारे बच्चों को हम सनस्क्रीन नहीं लगाते। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, वो अपने बच्चों को सनस्क्रीन नहीं लगाते, हालांकि उनको तो बड़ों से भी ज़्यादा ज़रूरत होती है सनस्क्रीन लगाने की, क्योंकि उनकी स्किन तो बहुत ही ज़्यादा नाजुक और डेलिकेट होती है और सन में जाने से तो बहुत जल्दी जल जाती है, टैन हो जाती है। और वैसे भी अब समर आने वाले हैं और समर में तो इतनी हाई हार्मफुल रेज होती है सन की और टेम्परेचर काफ़ी होता है, तो बहुत जल्दी बच्चों की स्किन जल जाती है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को सनस्क्रीन लगाएं और उनकी नाजुक स्किन को धूप से बचाएं। तो उसके लिए ये ममा अर्थ का मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन है, मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन है जो कि SPF 20 प्लस है। तो ये काफ़ी अच्छा सनस्क्रीन है, यह हम आपके बच्चों को धूप से तो बचाता है, टैनिंग से भी बचाता है और एक प्रोटेक्शन भी देता है, और इसमें थोड़े बहुत मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी भी है। तो आपको अलग से कोई बेबी क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं अगर आप ये अपने बच्चों को लगाते हैं। तो ये 0 to 10 ईयर्स तक के बच्चों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं और ये आता है 100 ml की बॉटल है और इसका प्राइस है कुछ 299 rupees का है, पर आपको अमेजॉन पे कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा और ये काफ़ी लॉन्ग चलता है, दो महीने 3 महीने तो आसानी से चल जाता है। और तो ये काफ़ी अच्छा है, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि ये सनस्क्रीन अब इस उम्र के लिए तो आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर ले लीजिए। और दूसरा मैं प्रोडक्ट बताऊँगी जो है ममा अर्थ का बेबी शैम्पू, जेंटल क्लिंजिंग शैम्पू फॉर बेबी, टीयर फ्री विद कोकोनट बेस्ड क्लींजर। ये टीयर फ्री है, मतलब ये शैम्पू अगर आंखों में भी चला जाता है बेबीज के, तो उनको इरिटेशन नहीं होगी, जलन नहीं होगी, तो ये काफ़ी अच्छा है और बालों को भी काफ़ी अच्छा और सॉफ्ट बनाता है और काफ़ी हाइपो एलर्जिक है। अगर आपके बेबीज को कुछ सेंसिटिविटी हो तो ये उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है और टॉक्सिन फ्री है और pH बैलेंस करता है और डर्मालॉजिकल प्लेस और इसकी जो स्मेल है काफ़ी नेचुरल है, ऐसी बहुत ही हाई नहीं है। और ये 200 ml की बॉटल में आती है, काफ़ी लॉन्ग चल जाती है ये बॉटल और इसकी प्राइस है 199। तो ये भी अमेजन पे आपको कुछ डिस्काउंट इस प्राइस में मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये शैम्पू, तो इट्स वेरी गुड। चलिए अब तीसरा प्रोडक्ट देखते हैं जो कि है ये टूथपेस्ट, बेबी टूथपेस्ट है। हमारे बच्चों को क्या होता है, हमारे बच्चे ब्रश तो करते हैं पर साथ ही साथ पूरा निगल भी जाते हैं, तो वो जो हम बड़े यूज़ करते हैं वो हमारे बच्चों को अगर यूज़ करने को दो तो वो काफ़ी हार्मफुल हो जाता है उनके लिए, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं जो कि बड़ों के लिए तो ठीक है क्योंकि हम तो सोलो नहीं करते, हम निगल नहीं जाते, पर बच्चे तो निगल जाते। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए एक कुछ अच्छा टूथपेस्ट हम यूज़ करें, तो उसके लिए मुझे ये ममा अर्थ का टूथपेस्ट फॉर किड्स है और जो कि है फ्लोराइड फ्री है और SLS फ्री है और 100% नेचुरल है। तो ये काफ़ी अच्छा टूथपेस्ट है बच्चों के लिए, अगर आप कुछ अच्छा सा टूथपेस्ट अगर खोज रहे तो मैं ज़रूर ये रिकमेंड करना चाहूँगी। तो ओवरऑल ये
तीनों भी प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छे लगे। ममा अर्थ के और ममा अर्थ बहुत ही अच्छा ब्रांड है, बेबी प्रोडक्ट्स के लिए ट्रस्टवर्थी ब्रांड है, तो आप इस पर ज़रूर ट्रस्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का रिव्यू जो कि ममा अर्थ के बेबी प्रोडक्ट के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रिव्यू और ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।